आप लोगों को आज बहुत सारा प्लानिंग बताया, आप लोगों को होटल का आइडिया दिया, आप लोगों को एक होटल भी दिखाया, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश सिटीजन के ऊपर सारी चीज़ें डिस्कस किए, और अभी हम लोगों ने पेट्रोल पंप के बारे में भी आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज दिए। तो दे हाई ऑल माई पीसेस ऑफ आर्ट एंड आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज है ना, हम लोग ये तरफ नहीं जाएंगे, हमेशा मैं आप लोगों को ये ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ। आज मैं आपको लेके जाने वाला ऑपोजिट साइड में, दूसरी तरफ। मिलिन फिर से हमारे साथ में आज, एंड अभी आगे की तरफ हम लोग चलने वाले, देखते हैं वहाँ पे कुछ हम लोग लेने जा रहे, अभी देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। मिलिन, हम लोग क्या लेने जा रहे? हम लोग जा रहे हैं ग्रिल ग्रिल मीट, ग्रिल मीट विथ फिश। यस, विथ फिश, चिकन एंड मटन। ओह नाइस। तो मैं आप लोग को आगे का नज़ारा दिखाता हूँ, वो तरफ का आप लोग को अच्छा लगेगा, क्योंकि धूप बहुत अच्छा निकला है, तो आप लोग को आगे का जो सीन है वो बहुत अच्छा लगेगा। वेदर बहुत अच्छा है, ऐसा वेदर रहे तो फिर छोड़ के जाना ही नहीं है यूके। ऐसा बस ऐसा ही वेदर रहे 12 महीना। तो मिलिन, कितनी बार गए हो आप वहाँ पे? बहुत बार। वहाँ पे टेस्टी है बहुत? बहुत ही अच्छा। अच्छा, उसका ग्रिल बहुत ही अच्छा है, एक्चुअली वो फेमस रेस्टोरेंट है। ओके, ग्रिलिंग के बारे में वो बहुत ही फेमस है। ओके मिलिन, तुमको यहाँ पे 2 साल हो गया बराबर? 2 साल प्लस हो गया, 2.5 साल हो गया। 2 साल, और तुम्हारे पास यहाँ पे मीन्स ये कंट्री में आने के बाद और कौन से कंट्री में गए हो? मैं इस कंट्री आने के बाद फर्स्ट में गया था फ्रांस में। ओके, उसके बाद गया था ग्रीस में। ओके, उसके बाद गया था नेदरलैंड, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद फिर से फ्रांस। न्यूजीलैंड, ये अपना नीदरलैंड तो मैं भी गया हूँ। तो नीदरलैंड में मतलब कहाँ, एम्स्टरडेम गए थे या हॉलैंड के साइड गए थे? एम्स्टरडेम। ओके, एम्स्टरडेम मुझे ऐसा लगता है थोड़ा एडल्ट एरिया है। वो तो एडल्ट एरिया है, मतलब फैमिली वगैरह जाएंगे तो बच्चों के साथ नहीं जा सकते मेरे ख्याल से। नाइट लाइफ नीदरलैंड का बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा है। और मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे जरा जो स्मोकिंग वगैरह वो थोड़ा हाई लेवल पे होता है, ऐसा है वीड वगैरह? हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो कॉफ़ी शॉप वगैरह, क्योंकि मैंने वहाँ पे गया था, सब विजिट किया मैंने, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो चीज़ें मिलते हैं वो पूरी तरह से। तो हम लोग को रोड क्रॉस करना है अभी। ओके, दबाना था हमें रोड क्रॉस करना है अभी, थोड़ी देर में गाड़ी रुक जाएगी। तो ये जो पेट्रोल पंप है, इसकी बात कर रहे थे क्या? हाँ। इसके पेट्रोल पंप के यहाँ से कहाँ पे जाना है? लेफ्ट साइड। ओके, तो हम हमारा कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखते हैं, मेरे को वीडियो तो अटेंड करने लो। सो मिलिन, तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक है, मगर थोड़ा बोरिंग है वेदर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बारिश होता है। बीच बीच तो समर बहुत अच्छा है, मगर विंटर में बहुत बोरिंग है। ओके, और वो विंटर टाइम भी थोड़ा एडजस्ट में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि रात 3:30 बजे हो जाता है, दोपहर 3:30 बजे हो जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है विंटर में। हाँ, समर पे समर पे अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि समर यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। अभी मैं दूसरे जगह गया नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडिया से यहाँ पे आने के बाद अगर मैं कंपेयर करूँ तो समर यहाँ का सबसे खूबसूरत, मतलब एक जो धूप भी है वो इतना वार्म नहीं है या हॉट नहीं है, एकदम सुनहरा धूप है, एकदम बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे रहने को मैं समर में रहने जैसा है यूके, एकदम एकदम बहुत ही अच्छा जगह है। और समर में भी बहुत सारे लोग घूमने में जाते हैं। हाँ, अलग अलग इधर डे टाइम बहुत ज्यादा मिलता है लोगों को, बराबर, जैसे कि 5 AM से मॉर्निंग हो जाता है, 5 AM से 9 PM तक धूप रहता है, धूप रहता है, कोई टेंशन नहीं।
जैसे कि मेरे हिसाब से अभी भी टाइम कुछ 6 के ऊपर हो गया है, बट 7 बज गया, 7:10 होने आए, तो भी धूप एकदम अच्छा खिला हुआ है। मतलब ऐसा धूप हमारे यहाँ पे शायद 3 बजे 4 बजे ऐसा रहे, तो ये तो बहुत अच्छा है। मतलब क्लाइमेट वाइज समर बहुत अच्छा है, बाकी टाइम डिप्रेसिंग है। और वर्क एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है यहाँ पे? वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है इंडिया से कंपेयर, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, तो मेंटल प्रेशर इंडिया में है, यहाँ पे नहीं है। एंड जैसे कि फाइनेंशियली भी प्रेशर नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है वर्क प्रेशर के बारे में यहाँ पे। और एक चीज में ये लोग बहुत ध्यान देता है, हेल्थ एंड सेफ्टी। अच्छा, इन वर्क प्लेस जो इंडिया में ये सब नहीं देते। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर हम काम करें भी तो भी हम लोग को जो सैलरी वगैरह मिलता है वो इतना हाई नहीं है। वो तो है, वो तो एक है, मगर तब भी वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ पे ऊपर बॉस कोई प्रेशर नहीं करेगा यहाँ पे। हाँ, ये तुम्हारा मर्जी में तुम कम कर सकते हो। ये चीज़ मैं हमेशा बोलता वीडियो में कि यहाँ पे कोई मैनेजर, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बॉस है, या उसके ऊपर का भी कोई ऑपरेशन मैनेजर है तो भी वो कि तू बॉस है। सब एक फ्रेंडली, मतलब इंडिया में सब बोलते कि जहाँ पे तुम काम करते हो एक फैमिली है, पर होता नहीं है। मगर होता नहीं है, पर यहाँ पे बोलते नहीं है, मगर होता है, बट एक्चुअली फैमिली जैसा है। ये मैं 100% बोलूँगा। मतलब 100 बात की एक बात, जो यहाँ पे काम कर लिया वो इंडिया में जाके फिर से वो एनवायरनमेंट में काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर, वो एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट ही नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे वो बॉस वाली फीलिंग नहीं है। यहाँ पे वो मतलब बॉसीनेस नहीं है, यहाँ पे वो मतलब तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और एक प्रॉब्लम नहीं है, रूल एंड रेगुलेशन जैसा है, ये लोग बहुत फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे लोग मॉर्निंग में काम स्टार्ट करना बहुत पसंद। अच्छा, 8:30 से सब लोग ऑफिस आ जाता है, बराबर 4:30-4:30 बजे गायब, सब गायब एकदम। मैं जैसे स्कूल में काम करता था, तो मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। हम लोग जाते थे सुबह 7 बजे से, हम लोग का चालू होने वाला था, मतलब जैसे कि हम लोग का लेक्चर समझो 7 बजे से चालू होने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली 10-15 मिनट जल्दी जाते थे। बट छुट्टे वक्त क्या होता था कि कुछ ना कुछ रह जाता था, फिर मीटिंग, फिर थोड़ा एक्स्ट्रा रुका देते थे। चलो वो रुकने का प्रॉब्लम नहीं है, बट कभी कभी सैटरडे को बहुत ज़्यादा ही रुका देते थे। यहाँ पे सैटरडे आने का तुम अन नहीं पाओगे, अगर सैटरडे संडे फुल हॉलीडे है यहाँ पे, सैटरडे तो काम ही नहीं करते। काम कर सकते हो कोई लैब में, कोई काम है, तो स्पेशल परमिशन करना पड़ेगा, बराबर आउट ऑफ वर्क फॉर्म होता है यूके, वो फिलअप करना पड़ेगा आउट ऑफ वर्क। सैटरडे काम करना हो तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आना हो तो ऑफिस में। हाँ, क्योंकि सैटरडे ऑफिस में कौन नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, तो एक इशू रहता है तुम्हारा हेल्थ एंड सेफ्टी, फिर से वो हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर तुमको कुछ हो जाए, यहाँ पे ये चीज बहुत है, मतलब तुमको ध्यान कम रखेगा, बराबर तुम्हें हेल्प करेगा, बराबर हेल्थ एंड सेफ्टी को यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस देते ना, जैसे कि एकदम हर एक चीज पे देखते। मैं कहीं और जाना है हमें? नहीं, सीधा जाना, सीधा सीधा जाना। तो ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये एरिया बहुत अच्छा है, लोग को दिखाओ थोड़ा एरिया। मैं यहाँ पे पहले कभी आया नहीं, मैंने बहुत बार आया, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत क्लीन है। हाँ, यहाँ पे हर गाड़ी में 3-4 गाड़ी रहता है, हर घर में दिख ही रहा है ऐसा, मतलब क्योंकि यहाँ पे जितने आदमी रहता है घर में उतने गाड़ी है। इस साइड अपने घर का रेंट वही सेम है अपने जैसे कि कम है? कम है, थोड़ा शायद कम होगा, मगर एरिया तो बहुत अच्छा है। मेरे को लगता है इस साइड शिफ्ट हुआ तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो वो जो बस स्टॉप दिख रहा है वहां पे पहुंच के जाना है कि उसके भी आगे? उसके भी आगे, उसके भी आगे। हाँ। बहुत खूबसूरत है यहाँ के घर। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि हम लोग के वहाँ पे ना जो वर्कर को एक लेबर जैसा ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। मैं तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखो जहाँ पे जैसा होता है होता है, वर्क कल्चर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे वर्क कल्चर थोड़ा अलग है। यहाँ पे जैसे कि मान लो कि 8 आवर्स ड्यूटी है, तो मेरे हिसाब से तो
8 आवर खत्म होने के 15 मिनट पहले हम पैकिंग शुरू कर देते घर पे जाने के लिए, है ना। और कोई बोलने वाला नहीं है कि 8 घंटे होने के बाद, मतलब तुम्हें कोई पूछेगा ही नहीं। उल्टा अगर तुम थोड़ा ज़्यादा बैठे हो तो तुम्हारा मैनेजर बोलता है तुम अभी तक गए नहीं। और मेरे और आगे का बात करूँ तो जैसे कि फूड वगैरह कैसा लगता है यहाँ पे, खाना वगैरह? यहाँ पे खाना, ये लोग जो ब्रिटिश लोग हैं ये लोग तो कोल्ड फूड प्रेफर करते हैं, लाइक सैंडविच, वो भी कोल्ड है। बर्गर समटाइम मैंने देखा है वो भी कोल्ड खाता है, फूड बहुत ज्यादा खाता है यहाँ पे। बराबर, तो उन लोगों को खाना क्योंकि इतना अच्छा नहीं लगता है, मगर हम लोगों का जो खाना अच्छा लगता है, वो अच्छा है। अगर तुम चिप्स खाओ, केएफसी में जाओ, मैकडी में जाओ तो ठीक है, बराबर, मगर ट्रेडिशनल ब्रिटिश फूड मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। जबकि ट्रेडिशनल इन लोग बोलते हैं उनका ब्रिटिश फूड, उन लोग बोलते चिकन टिक्का है। अच्छा, अब वो तो चिकन टिक्का तो इंडिया से आया है। हाँ, एकदम लेकिन अभी तुम गूगल करो, यहाँ पे बहुत फेमस है। लेकिन मैंने गूगल करके भी देखा, गूगल करके तुम देखोगे कि इन लोग का जो स्टेपल फूड, नहीं इन लोग का स्टेपल फूड क्या, नेशनल फूड समथिंग, ऐसा गूगल करोगे तो आएगा चिकन टिक्का। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था चिकन टिक्का, नहीं इसको सच्ची बात है, ये चेक कर सकते हो गूगल में। और मेरा ऐसा है कि जैसे कि अभी मैं वाइफ के साथ यहाँ पे हूँ, अगर कोई खाना बनाने वाला यहाँ पे हो तो तुम मतलब बहुत अच्छे से हेल्दी हो सकते हो। एकदम एकदम, यहाँ पे कुकिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, लिविंग कॉस्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे फूडिंग कॉस्ट इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। हमारे इनकम के हिसाब से बहुत ही सस्ता है, अगर तुम खरीद लेके खुद बना लो। बाहर खाने जाओगे, बाहर खाने के थोड़ा महंगा है, इतना महंगा नहीं है मगर थोड़ा महंगा है। बराबर, मतलब कोई अगर यहाँ पे आ रहा है और किसी के साथ आ रहा है और वो खाना वाना बना रहे है या खुद खाना वाना बना रहा है तो उसको अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा। ये हम लोग आ गए, ये कॉपर फॉक्स, ये कॉपर फॉक्स है। अच्छा, मैं टर्न कर लेता हूँ। तो ये है फ्रेंड्स कॉपर फॉक्स, यहाँ पे हम लोग आए हैं चिकन ग्रिल्स वगैरह लेने। आप यहाँ का जो एनवायरनमेंट है प्लस जो नज़ारा सीनरी दिख रहा है उसे ज़रा देखो, कितना खूबसूरत है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। मिलिन सीन कैप्चर कर रहे, ये ना हाँ मेरे पास है। कौन सा लेते हैं? ये दोनों और ये मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, सो हमने हमारा पार्सल ले लिया है यहाँ पे, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे घर में रिटर्न फिर से। सो मिलिन, मुझे यहाँ पे आने का ऐसा लगा यहाँ पे इंडियन फूड का बहुत डिमांड है। हाँ, बहुत ही डिमांड है। ये जो पूरा होटल में मैं देख रहा था, अंदर का तो मैंने पूरा शूट नहीं किया क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है, बट ब्रिटिश लोग पूरा इंडियन फूड मंगा रहे थे। ये पूरा इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा डिश मिलता है, तो करी का डिश बहुत ही अच्छा मिलता है। अगर कोई बहुत अच्छा कुक हो जिसको इंडियन फूड बनाना आता हो, स्पेशली चिकन टिक्का, बिरयानी एंड तंदूरी एंड ऑल, सो अगर वो
एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट कर सके, यहाँ पे आके होटल डाल सके, आई थिंक वो यहाँ पे बहुत ही प्रॉफिट कमा सकता है, बहुत ही ज़्यादा। मीन्स अगर हम जॉब कर रहे, मान लो महीने का फुल टाइम में अगर जॉब करता है बंदा, तो 2.5 से 3 लाख कमाता है, बराबर, 2.5 से 3 लाख इंडियन अमाउंट की बात कर रहा हूँ। बट अगर होटल डाल दे तो मे बी एक साल के अंदर उसकी मंथली प्रॉफिट 10 लाख भी जा सकता है, जा टेन सकता है लाख आराम होटल से। में एकदम आराम से। देखो फ्रेंड्स, हम लोग ये सब चीज़ें आपके लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो देख के आप लोग को अगर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे आके ऐसा कुछ ओपन करना है, हाँ, बट इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के आ जाएगा, स्टार्ट कर लेगा, ऐसा कुछ मतलब यूके है, आप आके ऐसा होटल डालना बहुत इजी नहीं है। बट हम सिर्फ ऐसा बता रहे कि ये एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है अगर आप लोग इसको यूज करो तो। मिलिन पीछे घर देखने में बिजी है क्योंकि एकदम बहुत एकदम खूबसूरत है। छोटा घर, बहुत ही अच्छा घर था वो। मुझे लगता है मिलिन बहुत ही जल्दी घर लेने वाले, क्योंकि मिलिन का मेरे ख्याल से कितने साल में आईएलआर आ जाएगा? ये सितंबर में आ जाएगा। देखो, सितंबर में मिलिन का आईएलआर आ जाएगा। और जिनको नहीं पता आईएलआर क्या होता है, आईएलआर होता है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, मीन्स वो एक इसके परमानेंट बाद रेसिडेंट होता है वो। इट्स जस्ट लाइक परमानेंट रेसिडेंट। और इसके बाद मिलिन को कोई भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रहने का। मिलिन जितना दिन चाहिए, जितना साल चाहिए, और आईएलआर पाने के बाद मैं चाहूँ तो मैं ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो एलिजिबल जाएंगे, मतलब ब्रिटिश बन जाएंगे। मतलब एक साल के बाद मिलिन जो इंडियन है ब्रिटिश बन जाएंगे। सही बोल रहा हूँ मिलिन? हाँ, ब्रिटिश पासपोर्ट मिलेगा मुझे, ब्रिटिश नहीं मानूंगा मगर पासपोर्ट मिलेगा। मीन्स वही वही, मतलब एक बार ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया मीन्स आप तो ब्रिटिश बन जाओगे। और मेरे को एक चीज़ क्या पता है, कभी कभी मतलब ऐसा लगता है ब्रिटिश पासपोर्ट का फ़ायदा बहुत है, बहुत ही फायदा है, बट ऐसा दुख होता है कि हमें इंडियन पासपोर्ट होना सरेंडर करना पड़ेगा। पड़ता है। अगर ये नहीं होता, इंडियन डुअल नेशनलिटी अगर इंडियन अलाउ करता है इंडियन लॉ में, हाँ, तो भाई ब्रिटिश पासपोर्ट तो बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा है। हमारा लेकिन बहुत सारे फैसिलिटी तुमको मिल जाता। लेकिन यही एक एक ही मतलब जब हम लोग ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर देते, फिर मन में एक दुख रहता है कि कुछ दिनों में हमको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है और फिर हम इंडियन सिटीजन नहीं रहते। बट उसका कोई ज़्यादा ये नहीं पड़ता है मुझे लगता है, क्योंकि जो राज है हाँ, वो उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, प्लस इंडिया के जो एक पासपोर्ट होता है एक अलग से, OCI कार्ड। OCI कार्ड, करेक्ट, मैं ये नाम भूल रहा था, OCI कार्ड, OCI, ओवरसीज इंडियन सिटीजन। या सो ओवरसी इंडियन सिटीजन, अगर ये कार्ड हो जाता है तो इंडिया भी कभी भी आ जा सकते हो, और ब्रिटिश के जितने भी फायदे हैं, बेनिफिट्स है, उसका भी फायदा ले सकते हो। मतलब एक तीर से दो शिकार। ब्रिटिश पासपोर्ट का बेनिफिट तुमको बता था, अगर यूरोपियन यूनियन मतलब तुम्हें शेंजन कंट्री में जाना है, कोई वीजा नहीं लगेगा, ओके, तुम डायरेक्ट जा सकते हो, कोई वीजा का कोई दिक्कत नहीं है, ओके, तुमको वो इमिग्रेशन लाइन में भी नहीं खड़ा तुमको करने रहना का, है, बस स्मार्ट में स्मार्ट जो गेट होता है वही पे पासपोर्ट स्कैन करना है और सीधा निकल जाना, कोई भी कोई देखो प्रश्न नहीं होगा। देखो, सिर्फ ये यूरोपियन कंट्री नहीं है, हाँ, तुम अगर अमेरिका जाओगे, कनाडा जाओगे, कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगेगा, सीधा मतलब सीधा अंदर जाना, पासपोर्ट लेके सीधा अंदर जाओ, मतलब फ्लाइट का टिकट निकालो और सीधा चले जाओ, तुमको वीज़ा वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है। और शेंगेन में मेरे ख्याल से 26-27 कंट्री है, 27 कंट्री है अभी, तो कोई भी कंट्री में आप जाओ इजीली। और प्लस मेरे हिसाब से एक बार ब्रिटिश पासपोर्ट बन गया तो बेनिफिट भी बहुत सारे। हाँ, बहुत सारे बेनिफिट है, एकदम गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट होता है, लाइक तुम्हारे पास सोचो जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट के तरफ से तुमको पैसा मिलेगा, ओके, जितने जितने मंथ जॉब नहीं रहेगा तुमको पैसा मिलेगा, वहाँ पर रूल है। हाँ, तो सोच लो अभी का आज का हिसाब से तुम्हें 1,000 pound पर मंथ अगर तुमको जॉब नहीं बाप है तो रे मिल जाएगा, बाप क्योंकि रे, गवर्नमेंट गवर्नमेंट इस तरीके से वो देता है, तुम्हारा रूम रेंट आ जाए और तुम्हारा वो ग्रोसरी शॉप खाने पीने का सब आ जाए, बस। मतलब समझ रहे हो दोस्तों, मतलब अगर तुम यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप ले लेते हो और तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, मतलब तुम सिर्फ घर में बैठे हो, 1 लाख और महीने का 1 लाख गवर्नमेंट तुमको ऐसे ही दे देगी, और क्या चाहिए? फिर बच्चे लोग का पढ़ाई तो फ्री है ही। हाँ, वो तो फ्री है ही, वो तो है ही, प्लस अपना मीन्स अगर कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल्स वो तो फ्री है, वो तो फ्री, मतलब इतने सारे चीजें हैं
जो एक बार ब्रिटिश पासपोर्ट बन जाए तो फिर बस, मतलब क्या ही बोलने, और इतना सारा तो बेनिफिट गिना दिया, और भी बहुत सारे होंगे जो हमें नहीं पता अभी फिलहाल, तो जितना था तो इतना काफ़ी है, इतना ही काफी है, ये ब्लिस पॉइंट है। इतना काफ़ी है, इतना इतना अगर किसी को मिल जाए तो बस भाई बैठ। हाँ ये कैसा, ये जो पेट्रोल पंप ये है, पेट्रोल पंप का हिसाब से हाँ डीजल है और ऊपर वाला जो अनलिमिटेड है वो पेट्रोल है। तो अच्छा एक लीटर का प्राइस है 152, ओके वन पाउंड 52 पेंस। ओके यहाँ पे 10 लीटर का प्राइस लिखा हुआ है, मैं एक लीटर का प्राइस बोल रहा हूँ, ओके और डीजल का प्राइस है 159। डीजल का प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है। ओ तो देखो तुम इंडिया में कैसा चल रहा है अभी, शायद मुझे पता नहीं है, शायद 110 और 120 चलेगा। तो बराबर, इंडिया हाँ के हिसाब से देखो यहाँ पे पेट्रोल और डीजल बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है। अगर तुम्हारे इनकम से हिसाब से कंपेरिजन करोगे तो बहुत ही पेट्रोल सस्ता है। वहाँ पे देखो लोग खुद कार वॉश कर रहे हैं, बराबर लड़की लोग। बराबर, हाँ यहाँ हाँ पे क्या होता है, सेल्फ सर्विस बहुत ज़्यादा होता है, तुमको खुद को करना करना पड़ता है। पेट्रोल यहाँ भी खुद ही पेट्रोल भर पंप लो पे कोई कोई नहीं है सब, तुम्हारा पेट्रोल पेट्रोल पंप में। डालने के लिए, तो अच्छा खुद को डालना पड़ेगा भाई। कार्ड से पैसा दो वो निकल आएगा। देखो वहाँ पे देखो वो लड़की लोग कार वॉश कर रहा है, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, वो 15 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए वो वहाँ पे चार्ज रहता है, तो तो उनको उतने पैसा देर भरना पड़ता वॉश है, करो, तो वो अनलॉक हो जाता है। तो हाँ तुम्हारा काम तुम वॉश करो, कार वॉश करो, 15 मिनट तक वो पानी आ जाएगा, तुमको जितना वॉश करना है कर लो। तो सही यहाँ है, पे सेल्फ सर्विस बहुत अच्छा है, बराबर। तुमको बहुत सारे काम खुद को करना पड़ता है। तो देखो, तो ऐसे ही हम लोग अभी आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे अलग अलग जगह पे जाएंगे मैं अलग अलग नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फिलहाल तो ये हम लोग घर की तरफ आ गए, मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ। तो देखो बार बार मैं बता रहा हूँ कि अभी है ना, हम लोग यहाँ पे मेरा घर है, और ऊपर के तरफ जो है हमेशा मैं शूट करता था घर जाने के लिए। मिलिंद ने प्रेस किया है और थोड़ी देर में गाड़ी रुक जानी चाहिए, क्योंकि जब गाड़ी बहुत कम होता है ना तो गाड़ी ये जो सिग्नल है जल्दी से रुक जाता है, पर गाड़ी अगर बहुत सारा हो तो ये सिग्नल जल्दी नहीं होता है। देखो अगर अभी कोई नहीं है, समझो इस साइड भी कोई नहीं है और इस साइड भी कोई नहीं है, तो बहुत जल्दी होगा कि ये सिग्नल हमको दे देगा क्रॉस करने के लिए। देखो हो गया, गाड़ी रुक गई। एंड मिले अभी कितना बज रहा है? अभी टाइम हो गया है 8, 8 हो देखो गया, 8 बज रहा है और धूप देख रहे हो, धूप देखो जैसा लग रहा है, ये इंडिया का 5 बज रहा है, 5 बज रहा है, ये अभी रहेगा, धूप रहेगा 30 और 40 मिनट तक अभी रहेगा, और मतलब 9 बजे तक, 9 बजे तक, और ये तो अभी समर का जस्ट स्टार्टिंग है, जस्ट स्टार्टिंग है, फिर बाद ये में, बाद में 10 बजे तक जाता है फुल फिर। पिकअप में समर जब रहेगा जुलाई अगस्त में, हाँ तो 10 बजे तक ये धूप रहता है रात। क्या बात है। दोस्तों लगता है हम लोग का घर आ गया है, तो अभी हम लोग घर में जाएंगे तो फूड वगैरह एंजॉय करेंगे, और मैं मिलूँगा आपको फिर किसी व्लॉग में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग स्पॉट के साथ। तो तब तक के लिए बाय मिलिंद, बाय।